बड़े दिन बाद चक्कर लगाया तुमने, मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। क्या बताऊं अम्मा, इतने बिखेड़े हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। इकबाल ने सारे काम का बोझ मेरे सर पे डाला। आ जाओ देख के उठाना यार, आ जाओ यहां पे रखो। अरे भाई क्या ले आया उठा के? फ्रिज है अब्बा। फ्रिज? फ्रिज क्या करना था, फ्रिज तो है घर में। अरे नहीं, ये मेरे कमरे के लिए। आप लोग इसे ऊपर रख दो, मैं आ रहा हूं। ठीक है, अपने कमरे में किस लिए भाई? डॉक्टर ने मुझे फ्रूट्स खाने को कहा। इस घर के फ्रिज में तो कुछ बचता ही नहीं है ना मेरे लिए, किसी को फिक्र ही नहीं, इसलिए रूम फ्रिज मंगवाया। शाबाश, ऐसी बीवियां होती हैं, शौहरों की कमाई यूं लुटाती हैं, कुछ नहीं बचने देती। डॉक्टर ने जो मशवरा दिया मैं खूब अच्छी तरह समझती। डॉक्टर का मशवरा नहीं है, ये जो सारा दिन माँ से फोन पे लगी रहती हो ना, ये उसी के मशवरे हैं। और बेवकूफ बनाया मेरे भोले भाले बेटे को, ये बिल्कुल उल्लू का गोश्त खिला रखा है तुमने इसे। जो हुक्म देती हो ना, इबादत समझ के बजा लाता है। अच्छा अजहर सुनो, वो ना मेरे घर का फ्रिज भी खराब ही हो रहा है, मुझे भी नया फ्रिज ले दो प्लीज। सुन ले, क्या कह रही है? अगर तुम इसको फ्रिज लेकर नहीं दोगे तो मैं यही वाला फ्रिज उठा के इसके घर भिजवा दूंगी। ये मेरा हक है, मैं कर सकती हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अच्छा अच्छा, अपने कमरे में ना तुम घुस जाना। देखने दी मेरी बेटी आई है, खाना बनाओ। जिसने खाना खाना है खुद जाके बना ले। डॉक्टर ने किचन में खड़े रहने से मना किया है। क्या अल्लाह, तौबा तौबा, ज़बान देखिए इसकी कैसे चलती है। खैर अम्मा, ये अज़र के पास बड़ा पैसा आ गया। हाँ, और जब हम मांगे ना खर्चे के लिए तो एक दो ऐसे गिन गिन कर देता हमें। फिक्र ना करें अब्बा, पैसे तो मैं से निकलवा के रहूंगी, देखिएगा। ला यार नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज हाजरा यामीन। प्लीज डू लाइक एवाई डिजिटल्स पेज ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू देयर यूट्यूब चैनल एज़ वेल।